साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन के मामले में साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव और जेल कर्मी अवधेश कुमार सिंह को आज ईडी के समक्ष पेश होना है। 3 जनवरी को छापेमारी के बाद साहिबगंज डीसी को आज उपस्थिति का समन भेजा गया था, लेकिन 9 जनवरी को कैबिनेट के फैसले के बाद इस बात को लेकर संशय है कि साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव एजेंसी के समक्ष उपस्थित होंगे या नहीं। वहीं जेल में बंद प्रेम प्रकाश के सहयोगी के तौर पर चिन्हित जेल कर्मी अवधेश कुमार सिंह को भी ईडी ने आज उपस्थिति का समन दिया था। उधर ईडी पीएमएलए 66 के तहत आईएएस रामनिवास यादव के खिलाफ जांच में आए तथ्यों से सीबीआई को अवगत कराएगी ताकि सीबीआई आगे की कार्रवाई कर सके। अवैध खनन, मनरेगा घोटाला और ठेकों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूर्व में ईडी ने 12 पत्र राज्य सरकार को भेजे थे। हालांकि राज्य सरकार ने ईडी के उन पत्रों के आधार पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के कार्यकाल में जिले में 23.26 करोड़ क्यूबिक फीट का अवैध खनन किया गया। ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन से कुल 1250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अपना बताते हैं, हमारे साथ सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, देखिए जिस तरीके से साहिबगंज का ये अवैध खनन का मामला सामने आया था और उसके बाद अब डीसी रामनिवास यादव की आज जो है वो पेशी होनी है, हालांकि ये संशय बरकरार है कि वे आज पेश होते हैं या नहीं, क्योंकि कैबिनेट में जिस तरीके से ये प्रस्ताव पारित हुआ उसके बाद ये संशय बरकरार कर दिया गया है। सत्यव्रत ना, देखिए बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने कि फिलहाल संशय बरकरार है, लेकिन जो विशेषज्ञ है, कानून के जानकार हैं, वो यह भी बता रहे हैं कि कैबिनेट के द्वारा जो यह फैसला आया है वो अभी से कुछ घंटे पहले आया है, जबकि रामनिवास यादव और देश कुमार सिंह को जो है वो समन उससे पहले जारी किया गया है। तो हो सकता है कि इस बार के समन में जो भी लोग हैं वो पूछताछ के लिए, अपने सवालों का जवाब देने के लिए ईडी कार्यालय उपस्थित हो भी सकते हैं। फिलहाल संशय अभी भी बरकरार है और एक यह उम्मीद जताई जा रही है कि अब ईडी के अधिकारी जिन लोगों को समन करेंगे, हो सकता है वैसे लोग जो हैं वो ईडी के सीधे समन पर हाजिरी लगाने ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे, बल्कि जो राज्य सरकार ने बनाया है कि जो विभाग के अध्यक्ष हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, पहले उन तक इस बात की सूचना देनी है, उसके बाद जो भी अधिकारी से पूछताछ होना है वो अधिकारी ईडी के कार्यालय जाएंगे। सही कहा सुष्मिता आपने कि पहले इस पूरे अवैध खनन मामले में करीब 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का जो बात है वो सामने आ रहा था, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की है उसके बाद यह उम्मीद है, यह जानकारी मिली है कि राज्य में 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन हुए हैं और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है अवैध खनन मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से ईडी जांच कर रही है, आज का दिन जो दो महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। आपको पता है सुष्मिता कि बीते 3 तारीख को जो है वो जी रामनिवास यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जहां से जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे, 5 खोखे बरामद किए गए थे। तो आज ईडी के अधिकारी यह जानना चाहेंगे कि एक आईएएस अधिकारी साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव के पास आखिर वो गोलियां, वो जो कारतूस है वो कहां से आए और जो खोखा बरामद किया गया है उस गोली का कहां इस्तेमाल किया गया, वो 5
गोलियां कहां चलाई गई, तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है अवैध खनन मामले में। फिलहाल अब से कुछ घंटे बाद दो लोगों को जो है वो ईडी कार्यालय पहुंचना है। पहले उन दो लोगों को समन जा चुका है, जिसमें साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव और दूसरे जो अवधेश कुमार सिंह कर्मचारी है उन्हें ईडी कार्यालय पहुंचना है और ईडी के सवालों का जवाब देना है। फिलहाल संशय अभी भी बरकरार है कि क्या यह दोनों लोग ईडी कार्यालय पहुंचते हैं या फिर नहीं, लेकिन जो जानकार बता रहे हैं कि पहले ही इन दोनों को समन दिया जा चुका है, उसके बाद कैबिनेट का यह फैसला आया है। वैसे में आज के दिन शायद उन दोनों लोगों को ईडी कार्यालय पहुंचना होगा और ईडी के सवालों का जो है वो जवाब देना होगा। आज का दिन ईडी के लिए भी महत्वपूर्ण, क्योंकि उन दो व्यक्तियों से, चाहे वो रामनिवास यादव हो या फिर अवधेश ठाकुर कुमार हो, उन दोनों से आज ईडी जो है वो सघन पूछताछ करेगी। सुष्मिता, बिल्कुल सत्यव्रत आपने ठीक कहा, क्योंकि इन्हें समन पहले जारी किया गया है, अब उसके बाद क्या कुछ इनके ओर से एक्शन होता है ये देखने वाले बात होती है, और ये उपस्थित होते हैं या नहीं इस पर भी संशय अब तक फिलहाल बरकरार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि जिस तरीके से अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के समन पर ये बड़ा जो है कैबिनेट के बैठक में फैसला लिया गया, अब उसके बाद रामनिवास यादव जो कि साहेबगंज के डीसी है वो आज ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पूछताछ में पहुंचते हैं या नहीं संशय अब भी बरकरार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।